हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री और मंच सम्मानित मंच, मैं आपका सिरसा आगमन पे आपका लोगों के हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से सिरसा में आपका स्वागत करते हैं। आपने जल्दी जाना है, मैं ज्यादा समय नहीं लेके फिर सब सिरसा शहर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करते हैं, आप यहाँ पधारे, धन्यवाद। पंडित होशियारी लाल जी शर्मा से चौधरी देवीलाल जी ने अपने जीवन काल में ही 1990 में चौधरी रंजीत सिंह जी को राजीव जी के हवाले किया था और मिलकर उस वक्त जो लड़ाई चल रही थी वीपी सिंह जी के और देवीलाल जी के साथ, उसमें हम दोनों ने मिलकर काम किया और तब से मुझे इस बात की खुशी है कि अपने परिवार को छोड़कर इन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास और भरोसा किया और कांग्रेस के साथ रहे। मंच पे हमारे सभी भूतपूर्व विधायक नेतागण और दूर से आए हुए मेरे साथियों और भाइयों, मुझे लंबी तकरीर नहीं करनी है, 2-3 मिनट में अपनी मैं बात खत्म करूंगा। पहले ही हम लेट हुए हैं, राहुल जी को यहां से बठिंडा और बठिंडा के बाद मध्य प्रदेश में भी कुछ सभाएं संबोधित करनी है और मध्य प्रदेश से आकर दिल्ली में भी शाम को सभाएं संबोधित करनी है। इसलिए समय के भाव के कारण अभी हम लोग अशोक तंवर जी और हमारे हरियाणा के जितने भी लीडर सभी मिलके पिछले महीने 1-1.5 महीना पहले इस हरियाणा का दौरा किया था और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के दोनों डिस्ट्रिक्टों का भी दौरा किया था। तकरीबन 24 घंटे में 16 घंटे वो कार्यक्रम रहे, 22 में से 21 डिस्ट्रिक्टों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और 68 विधानसभाओं में हमने तकरीबन 135 छोटी बड़ी सभाएं की। मुझे इस बात का फख्र है, गौरव है कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के हमारे दलित भाई, जाट भाई, सिख भाई, नामदारी भाई, हमारे तिजारत करने वाले भाई, बैकवर्ड भाई और बहनों ने और अल्पसंख्यकों ने अपने दौरे के दौरान हमें विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े और अच्छे कैंडिडेट खड़े करे और हरियाणा की जनता, हरियाणा का किसान, हरियाणा का मजदूर, हरियाणा का बुआ, हरियाणा का बुजुर्ग, हरियाणा की हमारी माएं बहनें कांग्रेस को राष्ट्रीय सतह पर और राज्य स्तर पर सत्ता में लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप हिम्मत करें।